अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आपके साथ निहारी की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने लिया है 3 पाव गोश्त हड्डी के साथ, क्योंकि हड्डियाँ जो हैं वो यखनी बनाती हैं। और ये है 3 प्याज। मैंने लिए घी और इसमें मैं प्याज फ्राई करूँगी। सबसे पहले ये प्याज मैं इसलिए फ्राई कर रही हूँ ताकि मैं बाद में गार्निशिंग के लिए इनको रख सकूं, और वो घी फिर अब हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। वैसे निहारी में प्याज नहीं जाएंगे। अब जो गोश्त है वो हम बचे हुए घी में डाल देंगे, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे और इसको, ताकि हमारे गोश्त को कलर आए प्यारा सा। और इसमें हम अब ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट किस तरीके से ऐड करना है। ये आप 4 बड़े चम्मच जो है ना, टेबलस्पून, वो ऐड कर सकते हैं इसमें, आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें। यहाँ पर अब इसको अच्छे तरीके से इसको पकाएं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सूंठ, क्योंकि ये बादी को मारती है। और ये है निहारी मसाला, ये मैंने आधा पैकेट निहारी मसाला इसमें डाला है। और मैं अब इन सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से ना भुनाई आपने करते रहना है इसके अंदर। और आप बेशक इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना अच्छे तरीके से ना ये गोश्त के पीसेज जो है ना इसके अंदर भुनाई करें। ये सारा इसके अंदर जो लहसुन अदरक का टेस्ट है वो इसके अंदर रच बस जाएगा, और ना आपके जो ये पीसेज हैं ये भी फ्राई हो जाएंगे। ये सबसे आसान रेसिपी है निहारी बनाने की, जल्दी तैयार हो जाती है। भुनाई करने के बाद मैंने अब देगची के अंदर 4 गिलास पानी ऐड किया है, और ये सारे मटेरियल को ना हम ढक के रख देंगे देगची को, और हल्की आंच पे पकाएंगे। अगर आपको जल्दी है ना तो आप गोश्त प्रेशर कुकर में भी रख के ना जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पर गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया था, क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मैंने प्रेशर कुकर में इसको गला लिया था। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा गलना चाहिए आपका गोश्त निहारी के अंदर। अगर निहारी की जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल मलाई की तरह नहीं टूटेंगी ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने गोश्त जो है वो गलाना है। यहाँ पर देखें, हमारी निहारी का जो गोश्त है बहुत ही अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है। अब जो सबसे स्पेशल इसमें काम आपने करना है ना, बहुत ही ईजी स्टेप है। आपने थोड़ी देर के लिए रख देना सालन को, और इसके अंदर से ना घी इस तरह ना निथार लेना है, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा कोई घी की ज़रूरत नहीं है। ये हम घी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब बाद में हम आटा ऐड करेंगे ना तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो हम पहले निकाल के साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच आटे के लिए गाढ़ा करने के लिए और पानी मिक्स कर दिया इसमें, और मैंने लेवी बना लिया। अब ये मैं हल्की आँच में ना रख के निहारी को फिर इसके अंदर आटा ऐड कर रही हूँ। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे आप, फिर ये अपना गाढ़ापन छोड़ेगा। यहाँ देखें मेरी बोटियाँ जो हैं गोश्त की, वो किस तरीके से गली हुई हैं, कितनी अंदर तक पकी हुई हैं। आप उसके कलर से अंदाज़ा हो जाएगा आपको, अगर आप खाने बनाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ है। यहाँ पर मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपनी प्लेट सेट की है गार्निशिंग के लिए निहारी के ऊपर। ये आप मिर्चें हैं, लीमू है, अदरक है, और ये जो मैंने प्याज स्टार्टिंग में फ्राई किए थे ये वो हैं। प्लेटें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें एक वो घी है जो मैंने निहारी के ऊपर से उतारा था, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं तो सारा तरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए तरी हम निकाल लेते हैं। और बाकी गार्निशिंग के लिए प्याज, लीमू, सब्ज़ मिर्च और अदरक, ये बाद में उसके ऊपर डाल के खाया जाता है। और एक प्लेट में निहारी है। अब हम इस पे जो घी या तरी जिसको हम कहते हैं वो हम इसके ऊपर डालेंगे, निहारी के ऊपर गार्निशिंग करेंगे, और फिर मज़े लेकर हम खाएंगे। तो ये थी मेरी मम्मा का वॉइस ओवर, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मम्मा कहती है क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो अब मैं ये सारी चीज़ें सालन के ऊपर गार्निश कर रही हूँ, और आप इसको अब इंजॉय करें क्योंकि सालन तो रेडी है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आपके घर अचानक एक दिन गेस्ट आ जाते हैं तो आप ये निहारी जल्दी जल्दी बना सकते हैं प्रेशर कुकर में। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसको आराम से अपनी देगची में भी रख के ना टाइम से सुबह को रख दें, और आराम से इसको हल्की आंच पर पकने दें, और ये निहारी बनके तैयार हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी मसाले खुद नहीं ऐड करने पड़े, ये बने बनाए आपने मसाले इसमें ऐड किए, और ये निहारी बिल्कुल बाज़ार की तरह की ही बनती है। और फिर एंड में आप इसको खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं।
तो गाइज अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को फौरन से जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसी ही आसान रेसिपीज आपके साथ लेकर आती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।